और यहां बात करेंगे जयपुर के होटल रेडिसन ब्लू में वर्ल्ड बैंक के साथ जल संसाधन विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का आयोजन इन्वेस्टिंग इन इरिग्रेशन फॉर राजस्थान ग्रोथ विषय पर हुआ है और सिंचाई की अत्याधुनिक तकनीकों के विकास और इस्तेमाल को लेकर हुई कार्यशाला में बताया गया कि सीएम अशोक गहलोत की मंशा के मुताबिक भविष्य की रणनीति तय हो रही है। सीएम ने इस बार के बजट में इस दिशा में बड़ी घोषणा की थी जिसके तहत इस दिशा में राज्य में 970 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल संसाधन विभाग के सचिव नवीन महाजन ने इस संबंध में DPR भी विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार की जाएगी, किसी कंसल्टेंसी फर्म का सहारा नहीं लिया जाएगा, जिससे सरकारी पैसे की बचत के साथ ही इस दिशा में बेहतर कार्य संपन्न किया जा सके। तो महाराष्ट्र में ये लोग अपने पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे इलाकों से उन इलाकों पे लेके जाते हैं जहाँ पे पानी का एक अच्छा बंटवारा हो सके। दूसरा, इन लोगों को जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके अप्रेजल करने में भी अच्छा एक्सपर्टीज़ हासिल है और किस तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सस्टेनेबल बेसिस पे हमें आगे बढ़ाना है, किस तरह से इसमें किसान वर्ग को, इंडस्ट्री को, उसको भी शरीक करना है, इसमें भी इनका बड़ा अच्छा मॉडल है। तो हम लोग जो आज MOU कर रहे हैं ये बेसिकली एक नॉलेज शेयरिंग है जिससे हमारे इंजीनियर्स इस अथॉरिटी के अधीन वहाँ जाके इनसे इस तरह के जो पहलू हैं इन आस्पेक्ट्स को समझ के हमारे यहाँ भी इस तरह का जो प्रयास है इसको प्रारंभ करेंगे।